अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट अ फाइटो हारमोन, यानी वो हारमोन जो आपके पास प्लांट में होते हैं। नाम लिखना मैं भूल गया हूँ, फाइटो हारमोन्स, यानी आपके पास वो हारमोन जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और इन कामों के लिए यूज़ होते हैं, उनको हम फाइटो हारमोन्स कहते हैं। हारमोन्स बेसिकली ग्रीक का वर्ड हारमोन से निकला हुआ है, जिसका मतलब है सेटिंग इन टू मोशन या एक्साइटिंग करना। तो देखते हैं यहाँ पर पाँच हारमोन यहाँ पर यूज़ है, हमने तीन यहाँ पर लिखे हैं, बाकी डिस्कस करते हैं। पहला जो है आपके पास ऑक्साइन्स है, ये आपके पास ग्रीक का वर्ड है जिसका मतलब है इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब है इंक्रीज करना, क्या इंक्रीज करना वो आके यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑक्साइन का मतलब है कि ये जो शूट की ग्रोथ है उसको इंक्रीज करता है, प्लांट के अंदर वो हार्मोन जो शूट की ग्रोथ को इंक्रीज करे, एलोंगेशन करे, उस हार्मोन को हम ऑक्साइन्स कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ बात है कि ऑक्साइन पाया कहाँ जाता है, ये टिप्स में होता है आपके पास, पहले टिप्स में होता है, फिर वहाँ से आता है बेस की तरफ। बेस की तरफ जो आता है तो लेटरल बल जो बर्ड जो होते हैं उनकी ग्रोथ को डिक्रीज करता है, इनहिबिट करता है, ताकि जो शूट है वो टिप्स की मदद से आगे जो है ना फॉरवर्ड इंक्रीज हो और उसकी मजीद आगे ग्रोथ हो जाए। इसकी एग्जांपल है फिनाइल एसिटिक एसिड, और भी बहुत सारी एग्जाम्पल है, तो सिंपल जो एग्जाम्पल है डेली लाइफ में वाली तो फिनाइल एसिटिक एसिड है। इसका काम जो है ना, ये शूट की एलोंगेशन में हेल्प देता है, एलोंगेट करता है, शूट को फैलाता है बहुत ज़्यादा। ये लेटरल बल की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ताकि जो है ना मजीद अच्छी ग्रोथ हो सके जो एपेक्स वाले होते हैं। ये आपके पास एपिकल बड की फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है, यही उसका काम है। ज़्यादा आपके पास ऑक्साइन होगा, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्साइन मीन्स लार्ज शूट, और हाई अमाउंट ऑफ ऑक्साइन मीन्स स्मॉलर रूट्स, क्योंकि ये लेटर बल्ड के लिए नहीं है, ये सिर्फ शूट की ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए है। तो ऑक्साइन का यही ही आपके पास काम है, लेटर का वर्ल्ड है, यही सिर्फ उसके फंक्शन है। टिप्स में होता है, टिप से बेस में आता है, फिर ये अपना काम करता है। उसके बाद सेकंड जो है साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन बिल्कुल उसके अपोजिट है। साइटो मीन्स आपको पता है कि साइटोप्लाज्म था और सेल था, या साइटोप्लाज्म था, और यहाँ पर काइनेसिस मीन डिवीजन। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना प्लांट के अंदर सेल डिवीजन करने के लिए होता है। ये रूट की फॉर्मेशन में अहम किरदार अदा करता है, आपके पास करवाता है। अब ये वो एपिकल बर्ड के लिए था, जबकि ये लेटरल के लिए है। एपिकल जो टिप्स में हो और लेटरल जो आपके पास जाइलम और फ्लोएम के दरमियान हो, लेटरल में लेटरल बर्ड में फिर वो कन्वर्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट की मैच्योरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है साइटोकाइनिन, इतना मतलब है अपोजिट काम करता है ऑक्साइन के। ऑक्साइन रूट के लिए होता है, शूट के लिए होता है, जबकि साइटोकाइनिन आपके पास रूट के लिए होता है। अगर हम बात करें एब्सिसिक एसिड की, तो ये जो है ना वास्कुलर प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। द हार्मोन विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ वास्कुलर प्लांट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। और ये कॉटन जो आपके पास होता है, वहाँ से एब्सिसन वन जो उसका नाम था कॉटन का, जिससे हमने इस हारमोन को डिराइव्ड किया था। ये जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा, इसका मतलब है जिस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पर एब्सिसिक एसिड, जिसका दूसरा नाम ए बी ज़्यादा फेमस है, ए बी ए, ये वहाँ पर होगा जहाँ पर क्लोरोप्लास्ट होगा। इसके रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी एब्सिसिक एसिड इज ए प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन विच इनहिबिट द ग्रोथ इन वास्कुलर प्लांट इज कॉल्ड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉटन हुज नेम इज एब्सिसन टू। तो ये जहाँ वहाँ पर जहाँ सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये हार्मोन वहाँ पर मौजूद होता है। इसके बाद जो है आपके पास प्लांट को इंजरी से बचाने में भी आपके पास क्या है, एब्सिसिक एसिड का अहम रूल है। हाई एबीए का मतलब है कि ये स्टोमेटा को क्लोज भी कर देता है अगर इसकी मिकदार ज़्यादा हो जाए। इसकी कमाल की बात यह है कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। बाकी जो हार्मोन है उनको अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड दो रहते थे, पांच में से तीन हो गए थे, दो जिब्रेलिन और आपके पास इथाइलिन। तो जिब्रेलिन को देखिए, आपके पास द हार्मोन, द फाइटो हार्मोन विच इज यूज फॉर सेल एलोंगेशन इन ड्वार्फ प्लांट, यानी ड्वार्फ प्लांट में उधर सेल डिवीजन को एलोंगेट करने के लिए या बढ़ाने के लिए जो है ना ये यूज होता है, तो उसको हम जिब्रेलिन कहते हैं। पहले हमारे पास एक फंजाई थी जिसको फंगस, जिसका नाम जिब्रेला था। तो जिब्रेला के अंदर हमें, जिब्रेला जो है ना राइस पर पैरासाइट है, ये पैरासाइट राइस के अंदर बीमारियां कास्ट करता है, राइस के प्लांट के अंदर। तो जिब्रेला एक फंगस है, उसके अंदर एक केमिकल था, एक सब्सटेंस था जिसको जिब्रेलिन कहते हैं। तो वहाँ से पहले इसको डिस्कवर किया गया था। इसका सबसे अहम काम है आपके पास ड्वार्फ प्लांट के सेल की एलोंगेशन करना। उसके बाद सीड जर्मिनेशन डार्कनेस में, सीड जर्मिनेशन यही जिब्रेलिन ही करवाता है। फ्लावरिंग जो है ना उसको प्रमोट करता है लॉन्ग डे प्लांट में, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है प्लांट की। इसके अलावा ये आपके पास स्टेम में भी होता है, यंग लीव्स में भी होता है, जाइलम में होता है और फ्लोएम में भी
आपके पास ये हार्मोन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद इथाइलिन, इथाइलिन जो है ना आपके पास एक गैशियस हार्मोन है, ये जो है ना लैटरल बर्ड्स की डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है और आपके पास जो है ना स्टॉप रूट की ग्रोथ को स्टॉप करके लैटरल बर्ड की जो डिवीजन है उसको ज़्यादा इंक्रीज करता है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट में इसका सबसे अहम काम है। इसके बाद फ्लावर की प्रोडक्शन भी यही करता है। ये जहाँ पर होता है वो है आपके पास फ्रूट में, ये होता है फ्लावर में होता है और प्लांट की जो है ना लैटरल बर्ड में होता है ताकि उसकी डिवेलप में हेल्प करें। जिब्रेलिन आपके पास जो है ना प्लांट ड्वार्फ प्लांट के एलोंगेशन के लिए होता है। इथाइलिन जो है ना लेटर बर्ड के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है।